नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत। 6 साल पाकिस्तानी जेल में काटकर भारतीय आईटी इंजीनियर हमीद अंसारी भारत वापस आया है। उसके इंटरव्यूज न्यूज चैनल पर आ रहे हैं, उसकी न्यूज अखबारों में छप रही है, लेकिन उसके रिहाई के लिए जिन्होंने लगातार मेहनत की उसमें से प्रमुख है जतिन देसाई। जतिन देसाई पत्रकार है और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है। जतिन देसाई से आज हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने हमीद अंसारी के रिहाई के लिए कोशिश की। जतिन देसाई, आपका अभिनंदन। बहुत बड़े प्रयास के बाद हमीद अंसारी वापस आया, क्या है हमीद की कहानी, कैसे आपने उसको वापस लाया? हमीद की कहानी बहुत ही, यानी इट्स अ वेरी सैड लव स्टोरी, हम ऐसा कहेंगे। फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए हमीद अंसारी पाकिस्तान के कोहाट नाम का एक टाउन है कि जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, वहाँ की लड़की, उसके वो संपर्क में आया, बातचीत होती रही फेसबुक के माध्यम से बातचीत होती रही, पर बातचीत कब प्रेम में बदल गई है किसको पता नहीं चला। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से निकाह करने का वादा किया। और इस दौरान ऐसा हुआ कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सिनेरियो क्या है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात किस तरीके से है। इसने कोशिश की कि पाकिस्तान से उसको वीज़ा मिले। 10 महीने वो लगातार कोशिश करते रहा, लेकिन उसके जो वीज़ा एप्लीकेशन जो थी उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया और रिजेक्ट भी नहीं किया गया। उसका मतलब, वो वहाँ जाना चाहता था उस लड़की से, उस लड़की शादी करना चाहिए, शादी करना चाहता था, तो उसका वीज़ा एप्लीकेशन जो था वो अंडर प्रोसेस रखा गया था। इस तरफ दूसरी तरफ लड़की से उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा था कि आप अगर जल्दी नहीं आओगे तो मेरा निकाह और कहीं करा देंगे। ये सब वो लड़की फेसबुक पर लिख रही थी। और ये लड़का बहुत डायलेमा में था, क्या करें, उसको समझ में नहीं आ रहा था। ये लड़का ताजुब की बात है, उसका जो परिवार के बारे में अगर सोचोगे तो आपको ताजुब होगा। ये लड़का उस वक्त जब 2012 में 27 साल का था और मुंबई की एक मैनेजमेंट कॉलेज में उसको लेक्चरर के तौर पर नौकरी मिली थी। ये आईटी इंजीनियर भी है और आईटी इंजीनियर भी है और एमबीए भी है, एमबीए भी है दोनों। उसको नौकरी मिली, 15 नवंबर 2012 को उसको ज्वाइन करना था। तो लेकिन ये जो डायलेमा था कि क्या करें, और अंग्रेजी में कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, कितना भी रैशनल आदमी हो वो भी लव मोहब्बत के खातिर कई बार गलती करता है, इसे बड़ी गलती की। जब उसकी मैंने पूरी कहानी सुनी, उसकी पूरी मैंने बात सुनी, तो मैंने उसको कहा, देखो एक तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कंट्री वीज़ा नहीं है, वो सिटी वीज़ा होता है। तो जिस सिटी का आपको वीज़ा है आपके पास, उस सिटी के अलावा आप कहीं जा नहीं सकते। मानो कोई पाकिस्तानी मुंबई के वीज़ा पर आया है तो थाना नहीं जा सकता है और नवी मुंबई भी नहीं जा सकता है। ये दोनों किस्म के इस तरीके से भारतीय नागरिक, अगर इस्लामाबाद का वीज़ा हो तो दूसरी कराची में नहीं जा सकता, लाहौर में नहीं, कराची छोड़ दिए, रावलपिंडी जो ट्विन सिटी है इस्लामाबाद, तो वहाँ भी नहीं जा सकता है। तो मैंने उसको समझाया कि तुम कोहाट का वीज़ा अगर मुझे जाना है तो मुझे भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, अफगानिस्तान को लगकर इलाका है, ट्राइबल इलाका है, तो बेहतर है। लेकिन वो चला गया 4 नवंबर 2012 की बात है। ही फ्लू टू काबुल, अफगानिस्तान काबुल में विमान से गया। वहाँ से वो गया जलालाबाद, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, और उस दौरान उसे कुछ वहाँ के कोहाट के कुछ यंगस्टर्स के साथ उसने एक दोस्ती बना ली थी, रिश्ता बना लिया था फेसबुक पर से। और उसमें एक जर्नलिस्ट था, तो उन्होंने कहा, अरे क्यों फिक्र करते हो, आराम से आ जाओ, हम उस लड़की को लेकर आएंगे और आपको वापस छोड़ देंगे। बहुत रोमांटिक आइडिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। वो गया
क्वाड पहुंच गया, क्वाड पहुंचने के बाद गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया। तब से लेकर कुछ पता नहीं था कि कहाँ है, लेकिन एक फॉर्चुनेटली ऐसा था कि उसका फेसबुक पेज जो था वो साइन आउट उसने नहीं किया था, साइन आउट नहीं किया था, तो साइन आउट नहीं किया होने की वजह से काफी चीजें पता चली कि वो पाकिस्तान एंटर हो गया करके। तो फिर उसकी मदर से कोशिश शुरू हो गई, और मैं ये कहूँगा कि आज हमीद जो वापस आया है, अगर आप मुझे कहोगे किसी एक व्यक्ति को आप क्रेडिट दो हमीद के वापस आने में, तो मैं उसके माँ को क्रेडिट दूंगा। उसके माँ को? उसके माँ क्यों? उसकी माँ को मैं नंबर एक कहूँगा, उसकी माँ नंबर दो भी, उसकी माँ दस तक, उसकी माँ और बाकी उसके पीछे हम सब, दिस इज फाइन। उसकी माँ ने जिस तरीके से कोशिश की वो काबिल तारीफ है, कभी उम्मीद नहीं आ रही। 3 साल तक तो पता ही नहीं था हमीद के बारे में, 2012 से 15 तक, 16 जनवरी तक, 16 जनवरी 16 जनवरी तक हम लोग को पता, किसी को पता नहीं था वो कहाँ है, जेल में बाहर, कुछ पता नहीं था। तो ऐसे इसमें आप सोचिए कि क्या हालत पेरेंट्स की होती होगी, आपको कुछ पता नहीं है वो उसके बारे में, लेकिन आपको लग रहा है कि वो कहीं पाकिस्तान में है, सिर्फ लग रहा आपका है। कन्विक्शन है, आपका कन्विक्शन है वो पाकिस्तान में है, तो उसकी माँ का कन्विक्शन था। हाँ, माँ का कन्विक्शन है, और मेरा लड़का आज नहीं तो कल किसी भी हालत में वापस आएगा, ये कॉन्फिडेंस, ये जो है मुझे लग रहा है कि, और जिस तरीके से उसने कोशिश की उसे क्या नहीं किया। उनकी जब कहानी में किसी बात करता हूँ मेरे आँख साफ सुन करते हैं, किस प्रकार की कोशिश उन्होंने, देखो किस प्रकार, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी गए, खैर पहले उसके पहले भारत सरकार से, पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिशियल से, पाकिस्तानी कोई जर्नलिस्ट यहाँ है तो उनसे मिलकर पेश कर रहा हूँ उनके सामने सब, ये सिर्फ वो उसकी माँ और पिताजी कर रहे थे, माँ पिताजी कर रहे थे। खैर हम लोग जो थे, मेरा उसमें मैं कहूँगा बहुत छोटा हिस्सा था, लेकिन आप हमेशा उनके साथ थे, हमेशा उनके साथ, एक छोटा हिस्सा था, जहाँ कहीं भी कुछ है तो मैं उनके साथ चला जाता था, और हम लोग साथ में मिलकर तय करते थे कि क्या हमको करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसको मिलना है, आपको आपने बताया, मैंने बताया, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, हम सब, हम तीनों मिलकर सब चीज़ें तय करते थे। तो 2016 के जनवरी में पाकिस्तान ने पहली बार यह कहा कि वो पाकिस्तान में है, वो आर्मी की कस्टडी में है। एक बहुत बड़ी बात थी, बड़ी उम्मीद की बात थी कि चलो हमारा लड़का, मालूम पड़ा हमारा लड़का पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की हुकूमत ने मान लिया है। उसके बाद लगातार कोशिश हुई पाकिस्तान की हुकूमत से कॉरेस्पॉन्डेंट, क्योंकि उम्मीद बन गई। उसी महीने में जनवरी 2016 में ही उसको 3 साल की कस्टडी पाकिस्तान ने दी, जेल सेंटेंस किया, और फिर कोशिश हुई। मैं दोबारा क्रेडिट देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के 2 लॉयर को और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, एक एडवोकेट काजी है जो 90 साल के हैं, 90 साल के बहुत सीनियर लॉयर, वो एक ज़माने में पाकिस्तान के सेनेट के भी मेंबर रह चुके थे, वो कई साल से कोर्ट जा नहीं रहे उम्र की वजह से, लेकिन इसके लिए कोर्ट जाते थे क्योंकि उसका, उनका कहना था कि लड़का बिल्कुल इनोसेंट है। उसने फौजिया को अपनी बहन माना और कहा कि देखो किसी भी हालत में इसको मैं रिहा कराऊंगा, ये बहुत बड़ी बात थी, देखिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उनको कन्विंस किसने किया? दूसरा एक रक्षनदार नाश करके एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर, महिला, पेशावर की रहने वाली, वो भी लगातार कोर्ट में जाती थी, उसके पास परमिशन थी तो जेल में जाकर भी मिली,
इसको मिलती थी हमिद को। ये दोनों ने जो काम किया है ना, किसी चीज की उम्मीद नहीं कि मान लो किसी ने पैसे का तो सवाल ही नहीं आता है ना? जो रिलेशन जो बने उसमें पैसे नाम की कोई चीज नहीं। पाकिस्तान के दोनों ने जो काम किया है उसका जवाब। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इनको कन्विंस किसने किया, काजी साहब या रक्षंदा नाथ को? रक्षंदा वगैरह ऐसा था कि रक्षंदा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रही, तो यह सब काफी चल रहा था पाकिस्तान के मीडिया में भी। कि मैं ये कहूँगा कि इसमें मीडिया का रोल भी बहुत बड़ा रहा। पाकिस्तान के मीडिया में इसके ऊपर बहुत आर्टिकल्स आए हमिद के ऊपर कि किस तरीके से इनोसेंट लड़का फंस गया है। यह लगातार पाकिस्तान के अखबारों में आर्टिकल आते हैं, वो चाहे बिना सर्वर ने लिखे हो, शिवम बीज ने लिखे हो, कई लोग, मैं सबके नाम तो गिना नहीं सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान अखबार में खबर आती रही, लोग पढ़ते रहे। और रुखसंदा उस तरीके से, रुखसंदा से हम लोगों के ताल्लुकात भी रहे क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रही, औरत फाउंडेशन जो है उसके साथ उसका ताल्लुकात है, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुकात है। तो देवर कन्विंस, और कन्विंस होने के बाद ही उन्होंने केस लिया था। लेकिन वो सिर्फ लॉयर नहीं थे, काजी साहब तो उसको अपना बेटा के तौर पर देखते थे, बेटा के तौर पर। तो ये सिनेरियो था। तो ये दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जस्ट सोचिए कि हिंदुस्तान में मान लीजिए इस तरीके से कुछ सिनेरियो है और उसमें ऐसे कोई दो लॉयर, कोई पाकिस्तानी को डिफेंड करे, तो पूरा माहौल आप सोचिए क्या होगा। उनको पाकिस्तान में कोई तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ तो हुई न हुई से, लेकिन वो डटे रहे। क्योंकि जैसे ही यहाँ क्रेटर कहते हैं या देशद्रोही कहते हैं, वहां भी उनको देशद्रोही कहा होगा। गाजी साहब जो है, उनका स्टेचर बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत रिस्पेक्टेड। तो काजी साहब के बारे में तो कोई किसी को बोले कि मुझे ये नहीं होता, लेकिन रुखसंदा उस मायने में यंग लड़की वापस, लेकिन फिर भी वो जो हिम्मत, जो करेज जो है, उसको तो सलाम करना चाहिए। फाइनली उसकी सेंटेंस जो है वो 16 दिसंबर 2018 को ख़त्म होती थी। हम सब पिछले इतवार को, मैं क्योंकि उसके पहले ऐसा हुआ कि पेशावर हाईकोर्ट में जब मैटर आई उसकी रिहाई को लेकर, तो पाकिस्तान के हुकूमत की ओर से ऐसा कहा गया कि दोनों मुल्कों में एक एग्रीमेंट है जिसके तहत सेंटेंस खत्म होने के एक महीने तक आप रख सकते हो प्रोसेस खत्म होने तक। तो उसे काफ़ी मज़र ऑब्वियस है कि नाउम्मीद हो गई थी कि एक महीना और रुकना पड़ेगा। तो हम लोग पिछले इतवार को हम दिल्ली जा रहे थे, शाम को यहाँ से ट्रेन में निकले और मंडे के दिन लोगों को मिलना था, पाकिस्तान हाई कमीशन में जाना था, हम भी लोगों को मिलना था कि वो पुश करने के लिए भाई जल्द से जल्द इसको, इसकी रिहा करो, हमारे हवाले करो। सोमवार को हम सुबह पहुँचे दिल्ली, दिल्ली में सेटल हो रहे थे, एक आध घंटा हुआ तब हमको फौजिया जी को मैसेज आया और मुझे भी अलग 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 सोर्सेज से मैसेज आया दोनों को कि कल आपका बेटा छूट रहा है। तो इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। हम तीन लोग गए थे यहाँ से, मैं, फौजिया जी और हमिद के पिताजी। हम लोगों की शाम को 6 बजे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ मीटिंग थी। तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने भी हमको बताया कि कल आपका बेटा आपके साथ होगा। हमिद को सुबह मर्दान जेल से निकाला गया। कौन सी जेल से? मर्दान। ये मर्दान जो है ये खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है, जिसको हम जनरली इंडियन उसका पुराना जो नाम है उससे जानते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो सुबह उसको मर्दान जेल से निकाला गया और उसको वाघा लेकर आए। वो करीबन वहाँ से 7-7:15 बजे निकला।
वहां से लेकर वाघा आने में करीबन 7 घंटे का सफर है, 7 घंटे का सफर है। तो पुलिस बंदोबस्त में उसको वहां लेकर आए। हम लोगों को लगातार पाकिस्तान के हमारे दोस्त लगातार बता रहे थे कहाँ पहुँचे, क्या सिनारियो है वगैरह। तो हम लोग तो अमृतसर में थे, तो उस तरीके से हम लोग तो अभी वाघा पर, वाघा टेक्निकली ने अट्टारी, हम लोग जनरली है ना कि हिंदुस्तान में लोग वाघा शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये वाघा बॉर्डर के उस तरफ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, वो इंडिया में नहीं है, इस तरफ अट्टारी है। लेकिन जनरली इंडिया में हम लोग वाघा वाघा कहते, वो टेक्निकली अट्टारी। तो हम लोग दोपहर को अट्टारी पहुँच गए, तो सब लोगों से BSF IP ये वो सबके साथ रखता था, हम लोग एकदम नज़दीक पहुँच गए थे, बिल्कुल कहते ना कि गेट जो है गेट के वहाँ हम लोग थे। तो क्योंकि वहाँ से मर्दान से हम लोग ऐसे उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ शाम को बीटिंग द रिट्रीट होता है, जिसमें दोनों मुल्कों की कवायद होती है और जो दोनों मुल्कों के फ्लैग है उसको नीचे लाया जाता है। तो हम लोग ये उम्मीद रख रहे थे कि वो प्रोग्राम शुरू होने के पहले आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो एक बार प्रोग्राम शुरू होगा तो फिर लाया नहीं जा सकता है। तो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन वहां से मर्दान से यहां पहुंचने में टाइम लग गया, तब तक कवायद शुरू हो गई थी। एक्सरसाइज के बाद फिर तय हुआ कि हैंड ओवर किया जाएगा। हजारों लोग दोनों तरफ बीटिंग द रिट्रीट के लिए थे, उसमें से काफ़ी लोगों को वो अखबारों के जरिए हो, टीवी चैनल के जरिए हो, काफ़ी लोगों को पता चल गया था कि बीटिंग द रिट्रीट खत्म होने के बाद वो लड़का आएगा। तो काफ़ी लोग क्यूरोसिटी के तौर पर वहाँ रुकना चाहते थे, देखना चाहते थे कि क्या प्रोसेस होती है। लेकिन खैर वो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होता है तो सबको ऐसा वहाँ रखा नहीं जाता है। ख़त्म होने के करीबन 15-20 मिनट के बाद हामिद को लेकर आए, हमारे इंडियन हाई कमीशन के दो ऑफिशियल्स भी उनके साथ थे। हामिद ने दूर से पाकिस्तान की भूमि से हम लोगों को देखा, वो उसकी मदर, फादर, भाई और मुझे पहचान गया, और हम लोगों ने भी उसको देखा, उसने पेशावरी कैप पहनी थी। वो पाकिस्तान के जमीन पर, हम इंडिया में, बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर, कुछ 100 फीटों का अंतर, कुछ फॉर्मेलिटी बाकी थी। हामिद ने जैसे अपने पेरेंट्स को देखा, वो रेस्टलेस, वो जस्ट दौड़कर अपने पेरेंट्स के गले पकड़ना चाहता था, लेकिन BSF के लोगों ने और पाकिस्तान रेंजर्स ने कहा थोड़ा सब्र करो, दे ऑल्सो अंडरस्टूड। और कुछ मिनटों में देखा तो वो दौड़ कर आया और सबसे पहले अपनी माँ के गले लगा। हम सब एक दूसरे के गले लगे, हमें किसी ने कुछ कहा नहीं, जस्ट वी आर क्राइंग। खैर देट ऑफ द, और उन्होंने सबसे पहले किया कि भारत भूमि को उन्होंने चुंबन किया। मुझे लग रहा है कि एक बड़ी हिस्टोरिक चीज़ है, इतने आसानी से दोनों मुल्क एक दूसरे के प्रिजनर्स को नहीं देते, नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान के आने के बाद कुछ एक नई उम्मीद बनी है। हम सब जानते हैं कि अगला साल जो है गुरु नानक देव की 550वीं वर्ष जन्म जयंती है, और गुरु नानक देव जो करतारपुर के जो गुरुद्वारा है वहाँ उनका निधन हुआ था, तो सिख लोगों के लिए बहुत उसका मायना है। तो अभी बात हुई है कि कॉरिडोर की बात है, करतारपुर कॉरिडोर की, जो करतारपुर का जो गुरुद्वारा है सिर्फ 2 किलोमीटर है बॉर्डर से, तो वो कॉरिडोर खुल जाएगा, सिख लोग वहाँ जा पाएंगे। उस बैकग्राउंड में हमीद का आना, करतारपुर कॉरिडोर के जो उसका काम की जो शुरुआत हुई उसमें उन्होंने इंडिया के काफ़ी जर्नलिस्टों को बुलाया था, हमारे यहाँ से काफ़ी लोग गए थे, काफ़ी पत्रकार गए थे। उन पत्रकारों को इमरान खान खुद मिले,
तो सर राजदीप सरदेसाई ने इमरान खान को एक सवाल पूछा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमीद के छुट्टी में वो सवाल का काफ़ी महत्व है। राजदीप ने इमरान को पूछा कि 15-16 दिसंबर को हमीद अंसारी की सेंटेंस खत्म हो रही है, क्या पाकिस्तान और आप उसको अगले दिन रिहा करोगे, हिंदुस्तान के हवाले करोगे? तो इमरान खान ने कहा कि उनको केस के बारे में मालूम नहीं है क्योंकि नए प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसकी मालूम निकालूंगा और मुझे जो संभव है मैं करूँगा और लड़का वापस आ। मुझे लग रहा है कि इस तरीके से जर्नलिस्ट क्या कर सकते हैं। तो पूरे जर्नलिस्ट हो, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, लॉयर्स हो, सबने कोशिश की है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने इमरान खान की बात बताई, वैसे भारत के जो भारत का जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने और सुषमा स्वराज जो मिनिस्टर है उन्होंने उन्होंने भी अच्छी भूमिका निभाई, वो क्या था इस सवाल को लेकर? सब लोगों ने क्योंकि देखो इंडिया पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर एक्सेस है, यह 2008 साल का है, तो उसमें प्रावधान ऐसी है कि कोई भी पकड़ा गया, चाहे वो भारतीय पाकिस्तान में पकड़ा जाए या पाकिस्तान को भारत में पकड़ा जाए, तो उसको 3 महीने के अंदर उसको कॉन्सुलर एक्सेस देना है। ये एग्रीमेंट है दोनों मुल्कों के बीच। हम इसके केस में हुआ नहीं क्योंकि उसमें एक उन्होंने वो एग्रीमेंट में कुछ टेक्निकलिटी जो होती है उसमें कि मानो किसी के ऊपर टेररिज्म या स्पाई वगैरह का इल्जाम है तो उसको उसमें से उन्होंने एक्सेप्शन किया। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहो या इंडियन हाई कमीशन ने कहो, पाकिस्तान को 95 लेटर्स लिखे थे इस पूरे दौरान हमीद के बारे में, हमीद के सिलसिले में कि हमको आप कॉन्सुलर एक्सेस दीजिए, ये 95 लेटर्स लिखे थे। तो निश्चित ही मैं ये कहता हूँ कि हर एक ने कोशिश की कि इंडियन हाई कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि मैं करीबन काफ़ी जो ये मामले ऐसे कॉन्सुलर एक्सेस वगैरह जो मामले डील करते हैं उसमें लगातार संपर्क में था, मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए, जो भी मीन्स हमारे पास अवेलेबल है, और सभी सिंपथेटिक थे। हर एक ने अपने स्तर पर जो कोशिश करनी चाहिए वो उन्होंने, कोशिश करने में किसी ने कमी नहीं रखी, मैं निश्चित कहूँगा, क्योंकि एवरीवन वाज कन्विंस, सब लोगों ने मदद की, सब लोगों को कन्विंस है कि यह लड़का इनोसेंट है। लेकिन यही मैं पूछना चाहता हूँ कि हमीद अंसारी पर हम अभी आज कह रहे हैं वो इनोसेंट है, पाकिस्तान सरकार ने भी मान लिया, लेकिन उनके पुलिस ने ही हमीद पर स्पाइंग का आरोप लगाया था, ये कैसे साबित हुआ कि यह आरोप झूठा है? देखिए एक मैं ये मानता हूँ कि इस तरीके से कोई यकीन नहीं करता है करेगा कि मोहब्बत के खातिर तुम चले गए, ये कोई हिंदुस्तान का लड़का पाकिस्तान गया और या पाकिस्तान का कोई अगर इस तरीके से हिंदुस्तान में आएगा तो कोई यकीन नहीं करेगा कि मोहब्बत के खातिर, तो यही दिमाग में आएगा कि अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान गया तो वो एजेंट है या पाकिस्तान से कोई इंडिया आया तो ISI का एजेंट है। पहले ही हम कहते थे कि वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉल विलेज, लेकिन अभी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए वो स्मॉल विलेज जो है वो और भी स्मॉल हो गया है। आसानी से आप बात करते हैं, हमीद के केस में इमोशंस जुड़े हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशंस को दोनों मुल्कों की अगर हुकूमत नहीं समझी थी तो आज हमीद का केस है, कल और कोई होगा। जतिन हम लोग आगे चलते क्योंकि हमीद का जो केस है वो अकेला केस नहीं है, हमीद तो वापस आ गया, लेकिन ऐसे कई सारे प्रिजनर भारतीय प्रिजनर जो पाकिस्तान के जेल में है और पाकिस्तानी प्रिजनर जो भारत के जेल में, उनका क्या होने वाला है या क्या हो रहा है? देखिए बहुत ही खराब हालत है, मुझे समझ में नहीं आता कि इसका रास्ता क्या है। इसका रास्ता कुछ उम्मीद बनी थी 2007 में, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट जुडिशियल कमिटी ऑन प्रिजनर्स बनाई थी कि जिसमें हायर जुडिशरी के रिटायर 8 जजेस थे, 4 हिंदुस्तान के और 4 पाकिस्तान के,
उनका काम यह था कि साल में एक बार साथ में हिंदुस्तान जाए और एक बार पाकिस्तान जाए, और उनके मुल्क के जो प्रिजनर्स हैं दूसरे मुल्क के जेल में उसको मिले। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। दोनों मुल्कों की हुकूमत ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये जो कमेटी है बहुत अच्छा काम कर रही है। इन कमेटी ने उनके यूनैनिमस रिकमेंडेशन जो है किसी ने लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किए, हालांकि कहते रहे कि बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या रिकमेंड किया था? अभी यूनैनिमस रिकमेंडेशन उन्होंने ऐसा किया था कि जितनी भी महिला प्रिजनर्स हैं दोनों मुल्कों में एक दूसरे मुल्क की, उनको रिहा किया जाए, जो बच्चे हैं उनको रिहा किया जाए, क्योंकि ऐसे भी केसेस हैं। एक पाकिस्तानी महिला की केस जो गिरफ्तार हुई, प्रेग्नेंट थी, बच्चा हुआ जेल में बच्चा हुआ, 10 साल तक वो जेल में रहा, उसके बाद वो छूटे, तो बच्चे की क्या गलती थी? ऐसे भी बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाए। और कमर रिकमेंडेशन थी, काफ़ी प्रिजनर्स ऐसे हैं कि सालों तक दूसरे मुल्क की जेल में रहने के बाद उनका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो गया है, तो उनका कहना कि उनको भी छोड़ दिया जाए। उनका ये भी कहना था कि दोनों मुल्कों ने कई बार कहा है कि जितने भी मछुआरे पकड़े जाते हैं उसमें से एक भी मछुआरा स्मगलिंग, टेररिज्म इसमें पकड़ा नहीं गया है, सिर्फ बॉर्डर गलती से क्रॉस करने से पकड़ा गया है। तो उनका वो भी रिकमेंडेशन था कि दोनों मुल्कों के पास जितने भी मछुआरे हैं उनको भी रिहा किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। और ताजू आपको होगा, लास्ट मीटिंग इस कमेटी की अक्टूबर 2013 में हुई, उसके बाद 2013 के बाद आज तक 5 साल कोई मीटिंग नहीं। इसका कारण क्या है? कारण तो ये तो हुकूमत ही बता सकती है कारण क्या है। हम और आप तो सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं और हमारा अपना जो नजरिया है उससे हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन कितने प्रिजनर्स हैं? देखिए, प्रिजनर्स पाकिस्तान में अगर हम बात करें इंडियन, करीबन 550 से 550 के बीच में, उसमें 400 प्लस कहे तो मछुआरे, फिशरमैन है मछुआरे। तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान में जेल में जो है इंडियन, उसमें प्रिजनर्स में सबसे ज़्यादा है मछुआरे, और बाकी जो है वो कम है। पाकिस्तान के जो प्रिजनर्स हैं करीबन अपने याद 350 के आसपास, उसमें कंपैरेटिवली मछुआरे कम है और लोग ज़्यादा है, सिविलियन प्रिजनर्स हम जिसको कहते हैं वो ज़्यादा है। उसकी वजह यह है, हमारे मछुआरे इसलिए ज़्यादा पकड़े जाते हैं कि गुजरात का जो कोस्टल, स्पेशली गुजरात का सौराष्ट्र का जो कोस्टल इलाका है, वहाँ मछलियाँ कम मिलती है या करीबन नहीं मिलती है। उसकी वजह है कि गुजरात के सौराष्ट्र के कोस्टल इलाके में बड़े पैमाने पर पावर प्लांट और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, और हमारी आदत है कि उसका जो वेस्ट है उस पर ट्रीटमेंट जो करना चाहिए, ट्रीटमेंट एक तो हार्डली किया जाता है या किया नहीं जाता है, वो सीधे समुंदर में हम डंप कर देते हैं, जिसके चलते हमारे समुंदर का पानी नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे करीबन 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मछलियाँ नहीं आ सकती है, मछलियाँ को भी स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। तो हमारे जो मछुआरे हैं उनके पास पाकिस्तान की दिशा में, डायरेक्शन में गए बिना कोई अल्टरनेट नहीं है, इसीलिए हमारे ज़्यादा पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान के लोगों मछुआरों के साथ वो मसला नहीं है क्योंकि वहाँ पर एबंडेंट मछलियाँ हैं। हमने ये कोशिश की, पाकिस्तान फिशर को फोरम करके उनका यूनियन है पाकिस्तान के मछुआरों का, जिसके साथ हम भी कुछ काम करते हैं, तो हम लोगों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, और हमने कहा था कि भाई मछुआरे जो है बेचारे गरीब मछुआरे हैं, ट्रेडिशनल मछुआरे हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं है, मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं,
समुद्र में कहाँ भारत का पानी खत्म होता है और कहाँ पाकिस्तान का पानी शुरू होता है, ये समझना आसान नहीं है। हालांकि हर एक बोट पे इंडिया के जीपीएस रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आसान नहीं होता है, क्योंकि समुद्र में जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि जीपीएस ने मान लो आपको सिग्नल दिया कि आप पाकिस्तान के पानी में एंटर कर रहे हो, तो भी समुद्र का जो पानी जो इस रफ्तार में आता है उसमें आप अपनी जो फिशिंग बोट है, क्योंकि बहुत बड़ी बोट नहीं होती है, उसको आप रोक कर वापस नहीं ले सकते। तो अगर पता भी चल गया कि हम पाकिस्तान के पानी में एंटर कर रहे हैं तो भी इनके पास कोई तो इमीडिएटली उसको वापस नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको हमको इंसानियत के तौर पर देखना चाहिए। आपको लगता है इनको रिहा करना चाहिए? गिरफ्तार मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दोनों मुल्कों को, हमने दोनों मुल्कों को लिखा है कि दोनों मुल्कों को नो अरेस्ट पॉलिसी अपनानी चाहिए। उनको मैं आपको कहूँगा नो अरेस्ट पॉलिसी क्या है। मानो पाकिस्तान की मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, उनको लगता है कि इंडिया के जो फिशिंग बोट है वो पाकिस्तान के पानी में एंटर कर रही है, तो उनको गिरफ्तार करने के बजाय उनको वॉर्न करके पीछे धकेल दें, वो सबसे आसान तरीका है। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, मछुआरों के लिए भी अच्छा है, मछुआरों के फैमिली के लिए भी अच्छा है, और सबके लिए अच्छा है। और उस तरीके से ही अगर इंडिया की कोस्ट गार्ड को लगता है कि पाकिस्तान के मछुआरे जो है वो हमारे पानी में आ रहे हैं, तो उनको भी वही करना चाहिए, गिरफ्तार करने के बजाय उनको वापस भेज दें। ये नो अरेस्ट पॉलिसी मुझे लग रहा है कि सबसे आसान और सबसे फिजिबल हम जिसको कहते हैं या प्रैक्टिकल। लेकिन दोनों गवर्नमेंट अभी तक वो मान नहीं रही। मुझे लग रहा है कि उसको एक बड़े पैमाने पर लॉबिंग की आवश्यकता है, कि शायद हो सकता है कि हम लोगों की जो ताकत है बहुत ही कम है। मुझे एक सवाल यहाँ पूछना है, जब ये सब हमीद अंसारी की बात यहाँ चल रही थी यहाँ के मीडिया में, तो कुछ सवाल ये भी पूछे जा रहे थे कि कुलभूषण जाधव जो है वो कब वापस आए। देखो मुझे लग रहा है कि दोनों के केस में बहुत फर्क है, इन दोनों को हमको साथ में दिखना नहीं चाहिए मुझे लग रहा है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूँ कि जो भी प्रिजनर्स हैं, कुलभूषण या और कोई भी हो, हर एक को न्याय मिलना चाहिए। उसमें कतई ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए किसी के बीच, हर एक को न्याय मिलना चाहिए, हर एक को जस्टिस मिलना चाहिए। और दोनों मुल्कों को उससे भी थोड़ा आगे जाकर सोचना चाहिए कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं अधिकांश समय, तो प्रिजनर जो है वो उसके विक्टिम नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि कुलभूषण जाधव का जो मामला है अलग है इससे? देखिए वो अलग मामला है, इसकी जो ये है तो बेचारे की सैड लव स्टोरी है, सैड लव स्टोरी है। पाकिस्तान गया था उसका कोई हमिद की सैड लव स्टोरी है। तो आपको लगता है उसके ऊपर जो आरोप है कुलभूषण पर उसकी जाँच होनी चाहिए? देखिए कभी ना कभी मैंने उस वक्त भी कहा था देखिए कि जो भी ट्रायल है वो होना चाहिए, वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ओपन फोरम में, ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ओपन कोर्ट में हर एक को अच्छे से अच्छे लॉयर वो रखने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं कुलभूषण जाधव आर्मी कोर्ट में ही हूँ, मैं मानता हूँ कि हर एक ऐसे जो भी मसले हैं वो ओपन कोर्ट में होने चाहिए। ओपन कोर्ट में होने से कम एक कॉन्फिडेंस होता है। आप बहुत साल से ये काम कर रहे हैं, सिर्फ जिनको अरेस्ट किया गया उनके बारे में नहीं, तो फिशरमैन्स के बारे में या फिर इंडिया पाकिस्तान पीपल्स फोरम जो है उसके लिए आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है इसका कुछ असर हो रहा है? देखो मुझे अभी वापस दोबारा ऐसे उम्मीद बनी है कि हमीद को लेकर एक उम्मीद बनी है कि हमीद से कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो सकती है। करतारपुर कॉरिडोर तो निश्चित ही है, हमीद को लेकर प्रिजनर्स हम कैसे रिहा कर सकते हैं,
क्योंकि देखो ये जो छूट कर आते हैं ना वो सबसे बड़े मैसेंजर ऑफ पीस होते हैं। जतिन देसाई, आप जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है, इंसानियत का काम है, प्यार का काम है। मुझे मालूम नहीं रिकग्नाइज सरकार आपको करेगी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो लोग दोनों मुल्क में इंसानियत पर विश्वास रखते हैं वो आपको रिकग्नाइज करेंगे। शुक्रिया।